भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। सम्मेलन में लगभग 19 G20 देशों के सदस्य, 10 आमंत्रित देश और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मौजूद रहे। गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के दौरान संयुक्त सत्र और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों के अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल नवाचार पर भी चर्चा हो रही है। इट रिमेन्स माई अटमोस्ट होप दैट G20 कैन इवेंचुअली फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ परमानेंट मैकेनिज्म। एक्सलेंसी, COVID-19 साउट एज ए पिविटल कैटलिस्ट फॉर ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ इन एम्पावरिंग पेशेंट्स, द फ्रेगमेंटेशन एंड लिमिटेड इंटर सेक्टरल कोलोबरेशन लिमिट इट्स पोटेंशियल प्रेजेंटली। द प्रेसिडेंसी हैज वर्कड क्लोजली with WHO to establish the Global Initiative on Digital Health, WHO managed network. स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत नेतृत्व पर दिया जोर। I hope you get an opportunity to experience the enriching energy, culture and amiability of both Gandhinagar and Gujarat as a whole during the next few days. Excellencies, as profoundly encapsulated in the theme of India's G20 presidency, one earth, one family, one future, the world needs a unified, inclusive leadership to resolve the challenges that we collectively face without being limited to geographical boundaries. COVID-19 highlighted the need for strengthening the health systems and underscored the need to treat every global citizen as equal.